मेरी माँ बहुत अच्छी लड़की थी और बहुत स्ट्रांग थी। मम्मा लाइफ में कुछ करने की कोशिश करती थी हमेशा, और मम्मा पढ़ाई में स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी। जब आपको छोड़ के गया था, आपकी उम्र कितना था? जब मम्मा मुझे छोड़ के गई थी तब मेरी उम्र 5 या 6 साल होगी। कौन सी क्लास में पढ़ती थी आप? तब मैं क्लास 2 में पढ़ती थी। अभी कौन सी क्लास में पढ़? मैं अभी क्लास 10 में पढ़ रही हूँ। आपका जो छोटा बहन है वो तो अभी मम्मा के पास है, वो क्यों गया वहाँ पर? वो मम्मा से अलग नहीं रह पा रही थी यहाँ पे, तो इसीलिए वो गई है वहाँ पे। मम्मी के बारे में कुछ ऐसी खास बात जो है? मम्मा के बारे में खास बात, मम्मा यही अपने पैर में खड़ा होना चाहती थी, अपनी फेम तैयार करना चाहती थी, अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी। अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, और मम्मा बहुत स्ट्रांग है। अभी भी बाहर से मम्मा को बहुत स्ट्रांग लग रहा है, लेकिन मैं भी समझ सकती हूँ मम्मा अंदर से बहुत दुखी है। शमी को शादी होने के बाद आप लोग क्या मिले शमी से? हाँ, बहुत बार मिल चुके हैं हम लोग। किस तरह से शमी आपको, आप लोगों को प्यार करते थे? अपने पापा, अपने बेटी की तरह ही प्यार करते थे। मुझे महसूस दिलाते थे वो मेरे पापा हैं या फिर हम लोग उनकी बेटी हैं। अपने फैमिली मेंबर में शामिल करना, सब कुछ करना उन्होंने किया है। एक पापा जैसे शमी का कुछ व्यवहार आपको, कुछ खास गिफ्ट वगैरह आपको घूमने के लिए ले जाने का, जैसे पापा लोग करते हैं ऐसे किए थे, करते थे? हाँ, ऐसे हर साल ईद में कोई फेस्टिवल में कपड़े देना, शॉपिंग करवाना, या फिर किसी अगर स्कूल में अगर छुट्टी मिली तो घूमने ले जाना, ऐसे करते रहते हैं। आप बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मॉडल क्यों नहीं, मम्मा का जैसा क्यों नहीं? मॉडल फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है, हर कोई की किस्मत में नहीं होती, तो मॉडलिंग तो सबको ही करना चाहती है, लेकिन अगर मुझे मिला तो वो अच्छी बात है, नहीं मिला तो मुझे भी तो अपने पैर में खड़ा होना है ना, इसीलिए डॉक्टर बनना चाहती हूँ मैं। आपका पापा एक सेलिब्रिटी है, माँ भी एक सेलिब्रिटी है, अभी उसकी बीच में कुछ टाना पड़न जो जैसे चल रहे हैं, आपको कैसे लग रहा है? ये तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी पापा ऐसे करेंगे। तो सब लोग कह रहे हैं पापा ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन जो अलीजबा है इसका नाम, मैं बहुत दिनों से मम्मा से सुन रही हूँ, तो जब मम्मा पापा से पूछते हैं आप ऐसा मत करो, इसे छोड़ दो, ऐसा होगा फैमिली बिछड़ जाएंगे हम लोग, तो पापा कहते थे, पापा ऐसे आंसर देते, अच्छा तो क्या हुआ, ऐसे करके कमरे से बाहर चले जाते थे। तो अभी जो हो रहा है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और मैं नहीं चाहती पापा की करियर ख़राब हो जाए, क्योंकि पापा बहुत मुश्किल से वहाँ पे उस लेवल तक गए हैं। मम्मा भी कोशिश कर रही है पापा से मिलने की, ये सब सॉल्व करने की, मुझे अब नहीं पता ये क्या होगा। अलीस्पा का साथ और शमी का जो रिलेशन का बात अभी आ रहा है, ये कितने दिन से आ रहा है? मैं कुछ साल से सुन रही हूँ मम्मा के मुँह से अलीशबा का नाम। अब मम्मा को ही पता होगा, मम्मा सारी बात मुझे खुल के नहीं बताई थी, तब सिर्फ अलीशबा का ही नाम मैं सुनी थी मम्मा के मुँह से। पापा और मम्मा के बीच में प्यार कैसे थी? पापा मम्मा से बहुत प्यार करते हैं, और मम्मा भी बहुत प्यार करती है, लेकिन बाहर वाले अगर मम्मा और पापा के बीच में आ जाते तो मम्मा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और पापा बार बार बाहर वाले को अपने अंदर लाते थे, इसीलिए मम्मा कहती थी बाहर किसी को मत लाओ, हमारे बीच में बिछड़ जाएंगे हम लोग, और पापा वही करते हैं जो मम्मा नहीं सह सकती। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ ये जो लड़ाई हो रही है ये सॉल्व हो जाए, बस यही चाहती हूँ मैं, फिर से वो हैप्पी फैमिली वापस आ जाए जो थी होली के दिन में भी, जो आप लोग देखे थे वही। क्या होली में वहाँ थे? नहीं, मैं यहीं पे थी, टीवी में उनकी इंटरव्यू देखी इसीलिए। सनसनी।